हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड जो एग्जामिनेशन होता है 2021 में, आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 और जो फिजिक्स का पेपर है इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तीनों ही पेपर के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में आया था 2021 में। तो आप देख सकते हैं जो ये बीएससी फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और जो पेपर आईडी है आप देख सकते हैं 308 पेपर कोड है या पेपर आईडी है। और यहाँ पर जो बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर वो ए है, यानी फोर रहते हैं ए बी सी डी आपको जो भी मिले, तो ये बुकलेट नंबर ए है। तो इसके हम आज की इस वीडियो में इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में, टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो इसके हम टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर की के बारे में भी हम जानेंगे और आंसर की आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो को लास्ट में। तो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा ताकि आपसे आंसर की मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पेपर आईडी वो 308 है और ये फिजिक्स का पेपर है बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन। और आप यहाँ देख सकते हैं आप इसके निर्देश भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि तीन खंडों में विभाजित हैं। फिजिक्स के पहले तीन पेपर होते थे 2020 में, तो 2021 में कोविड-19 की वजह से सिर्फ वन पेपर ही लिया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर आया था सिर्फ एक ही फिजिक्स का पेपर। इसमें फिजिक्स फर्स्ट पेपर के 33 क्वेश्चन, फिजिक्स सेकंड पेपर के 33 क्वेश्चन और फिजिक्स थर्ड पेपर के 34 क्वेश्चन, यानी टोटल इसमें 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और ये आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड में किन्हीं 25-25 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिए जाने हैं। इस प्रकार परीक्षार्थी को केवल 75 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए हैं, इनमें चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर का आप सही या सबसे उचित समझते हैं अपने उत्तर मात्रक OMR आंसर शीट में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक खंड हेतु निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए प्रथमता यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा, यानी शुरू के आपके 75 क्वेश्चन ही माने जाएंगे। यानी फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन शुरू से लेकर और सेकंड पेपर में 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के और थर्ड पेपर में 25 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। तो मेरा आप सभी लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ आप उतने क्वेश्चन के ही आंसर दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वगैरह 75 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको, तो सिर्फ आप 75 क्वेश्चन के ही आंसर दीजिए, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और इसका हम आंसर की भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, टोटल वन से क्वेश्चन नंबर वन से लेकर टोटल 100 क्वेश्चन तक, और इसके बाद हम टोटल आंसर की देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 100 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप इसे अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2021 में वो भी उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की जान सकें।